पश्चिम बंगाल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार पहुंचेंगे, जहां पर वो 21,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत बिहार में गंगा नदी पर 6 लेन वाले पुल सहित नमामि गंगे, यूनिटी मॉल और रेल जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। पीएम मोदी बिहार में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के बिहार दौरे से वहां के लोगों में खुशी देखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को बिहार दौरे पर औरंगाबाद और बेगूसराय आएंगे। बिहार में होली के पहले ही प्रदेश के लोगों को कई सौगात देंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर भाजपा कार्यकर्ता उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री सबसे पहले औरंगाबाद पहुंचेंगे, जहां वे 21,400 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री गंगा नदी पर 6 लेन वाले पुल की आधारशिला भी रखेंगे, जिसे पटना रिंग रोड के एक हिस्से के रूप में विकसित किया जाएगा। यह पुल देश के सबसे लंबे नदी पुलों में से एक होगा। प्रधानमंत्री बिहार में नमामि गंगे के तहत लगभग 2190 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की गई 12 परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री पटना में यूनिटी मॉल का भी शिलान्यास करेंगे। 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित होने वाली इस परियोजना की परिकल्पना एक अत्याधुनिक सुविधा के रूप में की गई है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन, व्यवहारों, प्रौद्योगिकी सुविधा और सौंदर्यीकरण शामिल है। यह मॉल राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों को एक समर्पित स्थान प्रदान करेगा, जिससे वे अपने विशिष्ट उत्पादों और शिल्प कौशल का प्रदर्शन कर सकेंगे। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 36 बड़े स्टॉल और बिहार के प्रत्येक जिले के लिए 38 छोटे स्टॉल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर वहाँ के लोग बहुत ही खुश हैं। हमारे औरंगाबाद में हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, वो भी मोदी जी आ रहे हैं, जो अभी के विश्व लेवल का एक विश्व गुरु माने जाते हैं, वो हमारे शहर में आ रहे हैं। उससे अच्छा क्या हो सकता है? बहुत अच्छा हम लोग फील कर रहा है, सारे पब्लिक यहाँ के अच्छे फील कर रहे हैं। औरंगाबाद के सांसद ने पीएम मोदी के दौरे पर खुशी जताई और कहा कि इन परियोजनाओं की शुरुआत बिहार के विकास में अहम भूमिका निभाएगी। पूरा संगठन, पूरी भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता कार्यक्रम को सफल बनाने में जी जान से लगे हैं। लोगों में एक अलग तरह का उत्साह है, क्योंकि मोदी जी का जो क्रेज है आज की तिथि में पूरे देश और दुनिया में, उसी के आधार पर मैं कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ी, अविस्मरणीय और एक ऐतिहासिक सभा होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो दौरा है औरंगाबाद जिले में और जो सफल स्थल है, उस पर हम लोगों ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाएं जो प्रदान की है, मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी जो है वो उपलब्ध रहेगी। बिहार में औरंगाबाद और बेगूसराय में इन परियोजनाओं से स्थानीय लोगों को लाभ होगा। आधारभूत परियोजना से जहां क्षेत्र के विकास को बल मिलेगा, वहीं विभिन्न रेल परियोजनाओं के शुरू होने से आम जनता का सफर सुगम और सहज हो जाएगा। आलोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।